मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, मैं आपको राजस्थान की धरती ले चलता हूं, जहां से एक बहुत बड़े गीतकार कुंवर जावेद के रूप में जन्म लेते हैं कोटा में। और आइए, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं भाई कुंवर जावेद को। बस आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हो तो दाहिना हाथ उठाएं, बाएं हाथ पर गिराएं, दो तीन बार गिराएं, ताकि एक तालियों की आवाज, एक पुरजोर शोर बिखरे। कुंवर जावेद, कोटा, राजस्थान, हिंदुस्तान। आइए बस। स्वागत है भैया, इसको संभालो। अरे माला हटा ले, माला वहीं ले जाके रखो, काम आएगी। सही है, ये भी आशीष को दे दो। मेरे लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कर दीजिए, थोड़ा ये को दे दीजिए। साथियों, मैंने बड़े भाई सुरेंद्र शर्मा जी से इजाज़त ले ली है और ये मेरे लिए बड़ा दिन है कि बहुत पहले माता जी पूर्णमती जी माता जी से का मुझे आशीर्वाद मिला जयपुर में। आज ये दोबारा मुझे मौका मिला है। वो सुन नहीं होंगी, वो जहाँ भी होंगी सुन नहीं होंगी, मैं उनकी भी इजाज़त चाहता हूँ। और उनकी इजाज़त सिर्फ का तरीका एक ही है कि वो सब आप ही हैं, एक बार आप उनकी तरफ से, माँ की तरफ से मुझे इजाज़त दे दीजिए। क्या बात है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, विधायक जी सब बैठे हैं, बहुत अच्छा सुना आपने, सुनते ही हैं। मैं चार पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ, कोई भूमिका नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, बस एक बार मैं शुरू होना चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ, सबकी इजाजत चाहता हूँ। स्वागत। जहर क्या चीज है अमृत का, प्याला क्या है। वाह। मस्जिदें होती है क्या और शिवाला क्या है। मन को जब मैंने महावीर के चरणों में रखा, तब समझ में मेरी आया के उजाला क्या। जय हो भाई। वाह। मन को जब मैंने महावीर के चरणों में रखा, तब समझ में मेरी आया के उजाला क्या है। और ये भी सुन के बता दे मुझे, बिल्कुल अभी इसी वक्त, ज्ञान और योग का दीदार किया करते हैं। ज्ञान और योग का, उनकी शिक्षाओं को त्योहार किया करते हैं। हम है क्या दोस्त, औकात हमारी है क्या, देवता उनको नमस्कार किया करते हैं। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। हम है क्या दोस्त, औकात हमारी है क्या, देवता उनको नमस्कार किया करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप सुने, माला डालने आते हैं तो वो ज़रा सा व्यवधान आता है, माला से ज़्यादा आपके सुनने के ध्यान की तारीफ है। सच
और वही हमारी पूंजी है सबसे बड़ी। और ये सुन ले जहां लोग बैठे हैं, विपत्तियों की घटाओं को टाल देता हूँ, अंधेरी रातों को मन से उजाल देता हूँ, मैं अपनी सारी ही ये उनका जलवा है, ये उनका कर्म है। और ये पंक्तियां मैं उन तक भेजने की छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपके सहारे से, बहनों के सहारे से उन तक पहुंचे। मैं हाजिर करता हूँ, स्वागत से हाजिर करता हूँ। बस एक पल में न पर्यावरण बदलता है, क्या बात है, तमाम धरती नहीं पहले कण बदलता है, तमाम धरती नहीं पहले कण बदलता है, यही तो कहती है ये पूर्णमती माता जी, जो सोच बदले तो वातावरण बदलता है, जो सोच बदले तो वातावरण बदलता है। और आखिर में आपसे कुछ दुआएं चाहता हूं इन पंक्तियों के माध्यम से, खास तौर से दुआएं। वफा की प्यार की माला बिखर न पाए कभी, वफा की प्यार की, नशा अहिंसा का चढ़कर उतर न पाए कभी। ये जो हमारे यहाँ एक त्योहार आता है जो अभी 22 अगस्त को है, मैं उस त्योहार को, मेरा पूरा घर सिर्फ नमाज तक सीमित रखता है। बहुत पहले मुझे शेयर करना चाहिए, आपसे शेयर करना चाहिए, बहुत मैं छोटा था तो मेरे गांव में यूपी में सब कहते थे कि जब मालिक ने आपको इतना दिया, मेरी अम्मी से कहते तो क्यों ना आप भी एक किया करें, तो अम्मी तैयार नहीं होती थी। बहुत बड़ी सोशल वर्कर थी मेरी माँ, अब आप जानते हैं वो आ गई तो वो काम हुआ। उसके बाद हमारी अम्मा की जो चीख उस जानवर की चीख से ज़्यादा तेज थी, वो दिन है और आज का दिन है, हम सिर्फ नमाज तक रहते हैं। क्या बात है भाई, बधाइयाँ। वफा की प्यार की माला बिखर न पाए कभी, नशा अहिंसा का चढ़कर उतर न पाए कभी, तुम ही दुआ दो आशीर्वाद दो मुझको, के मेरे पाँव से चींटी भी मर न पाए। भाई कमाल है कुमार जावेद, कमाल है, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वाह। दोस्तों ये मेरा धर्म था, मेरा मजहब था। मैं जैन समाज के बड़े एहसानात हैं, विदेश सबसे पहले मुझे आप लेके गए, उसके बाद फिर आप लेके गए, उसके बाद फिर मैं जाता रहा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और आपकी खिदमत कर दूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सच आपकी खिदमत और कर दूँ। टिंगू भाई बैठे होंगे और वो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं,
उनके भी कई फोन गए, मेरे लिए बड़ी बात थी, माता का नाम आते ही सब कुछ बड़ा हो जाता है। अब आइए यहाँ से मैं कुछ और पंक्तियाँ सुना दूँ। स्वागत। ख़ास तौर से रिक्वेस्ट करूँगा मैं अपनी बहनों से कि कम से कम थोड़ा वक्त वो हमारे आयोजन को और दें, और आपकी भी थोड़ी सी इजाज़त मिले, तालियाँ मिले। राखी भी आ रही है, उसके तुफैल में मुझे इजाज़त दे दीजिएगा, और आप सब खास तौर स्वागत कुमार जावेद भाई। कोई हिंदुत के इस्लाम न पूछा जाए, क्या बात है, मरने के बाद का अंजाम न पूछा जाए, मेरी आंखों में पढ़ी जाए वतन की खुशबू, कौन हूँ मुझसे मेरा नाम न पूछा जाए, कागजी फूलों में खुशबू तो नहीं होती है, इत्र उन पर बिछड़क दो तो महक जाते हैं, तुम अगर कीमती हीरा हो तो रातों में मिलो, धूप में कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं, वो लोग साहिब कुरान हो नहीं सकते, वो लोग साहिब कुरान हो नहीं सकते, किसी भी धर्म की पहचान हो नहीं सकते, जो उग्रवाद को यारो जिहाद कहते हैं वो और कुछ है मुसलमान हो नहीं सकते। दोस्तों 16-16.5 बरस हुए मुझे पाकिस्तान ने बुलाया था 6 दिन के लिए, 3 दिन में मुझे वापस कर दिया। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई जब उसने मुझे वापस किया, क्योंकि उसे भी एक दिन वापस आना है। वाह 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 वाह। चार पंक्तियां आना ही है, चार पंक्तियां मैं हाजिर करता हूं। लंका में श्री क्यों लगा, अगर हो गया हो कुछ तो मुझे लौटा दीजिएगा दुआओं की शक्ल में, आशीर्वाद के रूप में मैं पढ़ता हूँ। क्या बात है कुमार भाई। जला के पापों को फिर से उसे बसाना पड़ा, वाह, तो श्रद्धा आस्था के फूलों से सजाना पड़ा, हमारी माता ने कुछ दिन वहां बिताए थे, तभी तो नाम के पहले श्री लगाना पड़ा। वाह लाजवाब। हमारी माता ने कुछ दिन वहां बिताए थे, तभी तो नाम के पहले श्री लगाना पड़ा, नदी तो क्या है समंदर भी
तैरने लगता नदी तो तुम्हारा डूबा मुकद्दर भी तैरने लगता जो तुम जरा से भी मंदोदरी की सुन लेते तुम्हारे नाम का पत्थर भी तैरने लगता। वाह, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मुझे मेरी बहनें बैठी हैं, इनका भी मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, तो मैं चार पंक्तियाँ इधर भेजना चाहता हूँ। स्वागत। और अगर कुछ कोशिश मेरी सही हो, ठीक हो, और थोड़ी सी मेहनत आपको दिखाई दे, तो मुझे पूरे पंडाल की मैं तालियां मांगता नहीं हूं, कभी कभी मैंने जिंदगी में नहीं मांगी, लेकिन आज मेरा दिल चाहता कि पूरा पंडाल कहे कि हाँ कुछ है। पढ़ता हूं सामने। हर एक तख्त से हर ताज से लड़ जाती है। आहा। हर एक तख्त से हर ताज से लड़ जाती है। कोई भी राज हो हर राज से लड़ जाती है। हमारे देश की औरत को कितना जानते हो, सुहाग के लिए यमराज से लड़ जाती है। जिंदाबाद। हमारे देश की औरत का कितना जानते हो, सुहाग के लिए यमराज से लड़ जाती है। किसी जादू किसी मंत्र से नहीं आए हैं, किसी जादू किसी मंत्र से नहीं आए हैं। हम तो गंगा है समंदर से नहीं आए हैं। हम कुंवर है कोई जावेद है जो भी, लेकिन इस मिट्टी के है बाहर से नहीं आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, अगर आप बस वो उनकी बस है थोड़ी देर में, वो कह रहे थे, आप टेंशन मत लो। आपको शायद मैं पसंद नहीं आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, बढ़िया पढ़ रहे हैं, आपको ये तालियां बजाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं नूर भाई, आप तो बस। मैं गीत पढ़ दूँ एक? हाँ पढ़िए पढ़िए। दोस्तों, मैं मेरा मन था, अब क्या करूँ, इतने अच्छे क्यों हो आप जो हमें जुल्म करने पे मजबूर होना पड़ता है। तीन शेर मैं गजल के, गजल होगी भी नहीं यहाँ, शायद आप पढ़ दें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गजल से अछूता ना रहे ये कवि सम्मेलन। तीन शेर छोटे से पढ़ूंगा और उसके बाद अगर इजाजत देंगे तो एक गीत, फिर मैं अपनी जगह। ये डेढ़ मिनट की एक गजल है और दो मिनट ढाई मिनट का गीत है, शायद इतना तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं। स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आप भी इजाजत। स्वागत। वीरेंद्र जैन भी ने भी बड़ी मेहनत की है, आपके समाज का लड़का है, बच्चा है, इस पर भी ध्यान दिया कीजिए। मैं पढ़ता सा। प्यार यहाँ त्योहार बनाया जाता है, त्योहार मनाया नहीं बनाया, बनाया जाता है। कहाँ? मेरे देश में। अब दूसरी लाइन पर मुझे कितनी दुआएं मिलती हैं
मुझे जो काउंट करना है, पढ़ता हूँ साहब, हिम्मत कर रहा हूँ मैं। स्वागत। प्यार यहाँ त्योहार बनाया जाता है, प्यार यहाँ त्योहार बनाया जाता है, बम तो सरहद पार बनाया जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्यार यहाँ त्योहार बनाया जाता है, बम तो सरहद पार बनाया जाता है। और सुने साहब, मैं पूरी दुनिया में चीखता फिरता हूँ, ये जो कैंप इस्लाम सिखाने के लगा रखे हैं, ये इस्लाम सिखाने के नहीं, इस्लाम बर्बाद करने के कैंप हैं। ये कातिल हैं, ये जल्लाद हैं, इनको गोली मार देना चाहिए। मुकदमों वाले लोग नहीं है ये, डायरेक्ट शूट कर देने वाले। सच है, आमीन। बम तो सरहद पार बनाया जाता है, ये शेर साहब खास तौर से, इस्लामी ट्रेनिंग के नाम पर तेरे यहां पहुंच जाऊं साहब आप तक, इस्लामी ट्रेनिंग के नाम पर तेरे यहां जहनों को बीमार बनाया जाता है। सच है, सच है। जहनों को बीमार बनाया जाता है, उनसे पूछो सुई के चुभने की पीड़ा। सुने साहब, उनसे पूछो सुई के चुभने की पीड़ा, जिन फूलों का हार बनाया जाता है। भाई बहुत बढ़िया बात। बम तो सरहद पार बनाया जाता है। मैं अब मेरा काम हो गया है, आप कहें तो मैं बैठ जाऊं। अरे मेरा अरे काम अरे हो वो, गया मेरा मिशन वो गीत, पूरा वो हो गया। वो गीत पढ़ दी, वो गीत पढ़ दी। मैं सुनाता हूं, कोई भूमिका नहीं है, बस आप निभा लीजिए मुझे, मेरा स्वागत, साथ। स्वागत कुमार जावेद भाई, स्वागत स्वागत। ये लो, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बिल्कुल, अभी एक और मिलेगी, हाँ चिंता मत करो, एक और पड़ेगी माला भी। स्वागतम, पढ़िए। सुन ले साहब गीत। गुलमोहर गुलनार चमेली, अब ये एकदम यू टर्न जैसा है, बड़ा मुश्किल है साथ आना, लेकिन आप आ जाएंगे। गुलमोहर गुलमोहर गुलनार चमेली, या गुलाब की प्रिय सहेली, तुमको फूलों में फूलों की रानी कैसे मानूं, मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानूं। जय हो। बहुत कम तालियां कसम से, लेकिन मैं गुलमोहर गुलनार चमेली, आप भी सुन ले, आपके लिए भी तो हम हैं। या गुलाब की प्रिय सहेली, तुमको फूलों में फूलों की रानी कैसे मानूं, मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानूं,
एक बार खिलो तो जानू। बंद सुने साहब, स्वागत। मुझसे हाथ मिलाते तो हो, हंसते और हंसाते तो हो, मेरे ही अंदाज में मुझको मेरे गीत सुनाते तो हो, मेरे गीत सुनाते तो हो। इश्क़ दोस्ती की अनमोल निशानी कैसे मानूं, इश्क़ दोस्ती की अनमोल निशानी कैसे मानूं, जो मुझसे जलता है तुम उससे भी जलो तो जानूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुलमोहर गुलनार चमेली या गुलाब की प्रिय सहेली, और बहुत कीमती बंद। पत्र मुझे नियमित लिखते हो, पत्र मुझे नियमित लिखते हो, दिल पर आधारित लिखते हो, काखा गा से चाचा जा तक प्रेम से संबंधित लिखते हो, प्रेम से संबंधित लिखते हो। मैं अनुरागी इसको प्रेम कहानी कैसे मानूं, मैं अनुरागी इसको प्रेम कहानी कैसे मानूं, तुम मुझसे तन्हाई में एक बार मिलो तो जानूं। गुलमोहर गुलनार चमेली या गुलाब की प्रिय सहेली, आंखों में मस्ती शराब सी, आंखों में मस्ती शराब सी, होठों पर रंगत गुलाब सी, यानी सर से पाँव तलक हो एक कयामत एक अजाब सी, एक कयामत एक अजाब सी। इसको मैं तुम पर भरपूर जवानी कैसे मानूं, तुम सारे संकोच भुला कर मुझसे खुलो तो जानूं। गुलमोहर गुलनार चमेली और आखिरी बंद। रात में तुम तारे गिनते हो, रात में तुम तारे गिनते हो, दिन में तुम सपने बुनते हो, मेरी यादों की थाली में दिल के जख्मों को चुनते हो, दिल के जख्मों को चुनते हो। तुमको बैरागी त्यागी बलिदानी कैसे मानूं, दर्द के अंगारों पर मेरी तरह चलो तो जानूं। बढ़िया गुलमोहर गुलनार चमेली।